उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस बड़ी कार्रवाई करने वाली है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की जल्द ही कमर तोड़ने वाले हैं, जिसके पुलिस ने पूरी कार्य योजना भी तैयार कर ली है। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि देखने में आता है कि जो अपराधी होते हैं और जिस पर गैंगस्टर लगाती है उसके द्वारा काफी संपत्ति अर्जित की जाती है। इसी को देखते हुए पुलिस ने अभियान के तहत हरिद्वार में गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की संपत्ति की जांच की गई। इसमें से 9 ऐसे लोग पाए गए जिन्होंने लंबे समय से अवैध संपत्ति अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नामों से खरीदी जा रही थी। साथ ही कई ऐसे वाहनों का भी प्रयोग किया जा रहा था जो अवैध संपत्ति से खरीदे गए थे। पुलिस ने 9,60,00,000 की अवैध संपत्ति चयनित की है। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है, जिससे जल्द ही इन संपत्तियों को जब्त किया जा सके। प्राय देखा जाता है कि जो अभ्यस्त अपराधी होते हैं या जिन पे गैंगस्टर लगती है, वो कहीं ना कहीं इस अपने अपराधों से जो लंबे समय से अपराध कर रहे हैं, तो उससे अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। इसी को देखते हुए अभियान के तहत जो है जिले भर में जो हमारे गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त थे उनकी संपत्तियों की जांच की गई कि कितनी, और उसमें पाया गया कि 9 ऐसे अभियुक्त थे जिनके द्वारा लंबे समय से अवैध संपत्ति अपने अपने रिश्तेदारों के नाम या बेनामी नामों से ली जा रही थी। साथ ही साथ ऐसे वाहनों को भी लिया प्रयोग किया जा रहा था जो अवैध संपत्ति से अर्जित है। ऐसे 9 लोग को चिन्हित करके जो हमारे गैंगस्टर एक्ट में थे उस पर 9,60,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति की जो हमने चिन्हित किया था उसको जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया, जिसमें आगे उनकी ऐसी अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया जा सके। दरअसल बीते कुछ समय से पुलिस ने हरिद्वार में आरोपियों और माफियाओं पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरिद्वार पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। अब हरिद्वार पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए जेल में बंद इन आरोपियों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई में लग गई है, ताकि जेल से बाहर आकर ये अपराधी दोबारा से अपना साम्राज्य न खड़ा कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।